हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्कॉलर्स स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना दोस्त होस्ट सतपाल गोदारा हाजिर हूँ आज 18 नवंबर के एडिटोरियल के साथ में। तो आज का एडिटोरियल आपको हमेशा की तरह वही द हिंदू के एडिटोरियल और ओपिनियन पेज पे मिलेगा, जिसमें अपने वोकेबलरी की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और करंट इश्यूज की मदद से इंग्लिश लैंग्वेज सीखेंगे। तो देखते हैं आज का इश्यूज। आपका फेवरेट टॉपिक वर्ल्ड कप पीक पे है और इसका जो क्लाइमेक्स है वो आने वाला है फाइनल मैच, तो उस पर आधारित है जो समिट क्लैशेस बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया कल होने वाला है, तो उसको लेकर के है जो क्या कहते हैं एडिटर्स। तो आइए इसकी करते हैं चर्चा दोस्तों। तो पहला शब्द आज का आ रहा है कैरेवन। कैरेवन आप जानते हैं कारवां, बहुत से यात्री लोग होते हैं एक साथ चलते हैं तो उनके दल को कैरेवन कहा जाता है। ए ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स ट्रेवलिंग टुगेदर। तो ट्रेडर्स हैं, पिलग्रिम्स हैं, जो साथ में यात्रा करते हैं तो उसे कैरेवन कहा जाता है। तो ये सिनोनिम इसका हो जाएगा ट्रेन और कैमल कैट, काफिला, सोलो या इंडिविजुअल अकेला चलने वाला इसका अपोजिट हो गया द कैरेवन टू द कैंप साइट। सो वी कैरेवन टू द कैंप साइट, हम है जो कैंप की तरफ है कारवां के रूप में गए। तो ये इसका हो गया आपका एंटोनिम वाक्य में प्रयोग। नेक्स्ट है डाउटी। एडजेक्टिव है ब्रेव एंड परसिस्टेंट, बहादुर और जो परसिस्टेंट हो अपने काम को लगातार करता रहे। तो फियरलेस, डॉन्टलेस, निडर अपने इसको कह सकते हैं, क्या कहेंगे इसे, जो निडर हो तो वो डॉटी है। तो एंटोनिम हो जाएगा टिमिड और फियरफुल। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे डॉटी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया आदि। हिज डॉटी स्पिरिट केप्ट हिम गोइंग, तो उसकी जो निडर जो भय मुक्त जो उसकी जो भावना थी उसे वो आगे बढ़ता रहा। नेक्स्ट इज हेलोड, एडजेक्टिव है मेड होली, पवित्र बनाना, क्या बनाना, पवित्र बनाना। तो मेड होली कंसेक्रेटेड या डेडिकेटेड, तो एकदम समर्पित निष्ठावान। एंटोनिम हो जाएगा अनहोली या अनसेक्रेड, अपवित्र। तो एल पवित्र के आगे ए लग जाएगा, अपवित्र। द बैंड विल बी इन सम हेलोड एंड हिस्ट्रिक सराउंडिंग्स। तो यहाँ मतलब बैंड है कुछ हेलोड पवित्र और हिस्ट्रिक सराउंडिंग्स से घिरा हुआ होगा, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के अंदर होगा, ये इसका वाक्य में प्रयोग हुआ। नेक्स्ट वर्ड इज हमडिंगर। हमडिंगर होता है बेस्ट, श्रेष्ठ, नाउन है ये। A remarkable और outstanding person और thing of its kind, जो अपने आप में remarkable हो, बहुत ही उल्लेखनीय प्रकार का व्यक्ति या वस्तु हो, जो मनोरंजक हो, entertaining और hilarious, खेल की शब्दावली में इसका अर्थ हुआ hilarious, entertaining। कुछ खिलाड़ी आते हैं talent पे आकर के अच्छा कर जाते हैं, जैसे ग्लेन मैक्सवेल ने किया, हम डिंगा। टायरिंग और अनफनी, जो थकाने वाला हो या जो मनोरंजक नहीं हो, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ए हमडिंगर ऑफ फनी स्टोरी, एक फनी कहानी के अंदर, आकर्षक कहानी के अंदर बहुत ही मनोरंजक कैरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्वीयर बाई, फ्रेजल वर्ब है। स्वीयर का इसका एक अर्थ होता है कसम खाना। तो हैव और एक्सप्रेस ग्रेट कॉन्फिडेंस इन द यूज वैल्यू और इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग, कोई चीज हो उसकी प्रभावशीलता में, उपयोगिता में है या मूल्य में, प्रभावशाली होना या विश्वास जताना। तो आपने कहते हैं कि आई स्वीयर बाय, मैं कसम खा के कहता हूँ। और दूसरा आयरिश स्वीयर्स बाय हर योगा, तो एक प्रभावशाली पूर्ण होना भी इसका अर्थ हो गया। सो टोन डाउन फ्रेजल वर्ब है, मेक समथिंग लेस हार्श इन साउंड और कलर, यानी कि किसी को कमजोर करना, क्या करना, कमजोर करना, अप्रभावशाली करना, किसी का प्रभाव कम करना, टोन डाउन कर देना। मेक समथिंग लेस एक्सट्रीम और इंटेंस, तो किसी को कम जो एक्सट्रीम उत्तेजित या
उसकी सघनता को कम करना, तो कमजोर करने के अर्थ में टोन डाउन आ गया फ्रेजल वर्ब। आई जस्ट होप वी कैन नाउ बिगिन टू टोन डाउन द रेट्रिक। तो मैं जस्ट उम्मीद करता हूं कि अब हमने है जो इनकी बात को टोन डाउन करना शुरू कर दिया है। तो कहा जा रहा है क्या ऑस्ट्रेलिया इंडिया को टोन डाउन कर पाएगा या इंडिया ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट में टोन डाउन कर पाएगा, तो देखते हैं। ये तो कल का मैच बताएगा। सो टर्न लेग इन टू जेली, यस इडियम है टर्न लेग इन टू जेली, टू सडनली फील वीक बिकॉज यू आर फ्राइटेंड नर्वस और इल, अचानक ही नर्वस हो जाना, यानी कि आप इतने ज्यादा नर्वस हो गए, इतने ज्यादा इंप्रेस हो गए नेगेटिवली कि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया। तो उस नर्वसनेस के लिए टर्न लेग इन टू जेली। एज सी नॉक्ड ऑन द ऑफिसर्स डोर, जो ही उसने अधिकारी के दरवाजे पे नॉकिंग की, दरवाजा खटखटाया, हर लेग्स टर्न इन टू ए जेली, यानी वो बिल्कुल ही निरुत्साहित, बिना आत्मविश्वास के कमजोर हो गई, नर्वस हो गई। मेहम नाउ ने वॉयलेंट और एक्सट्रीम डिसऑर्डर, अत्यधिक अस्त व्यस्त होना, कैओस या कंफ्यूजन, अराजकता की स्थिति होना, तो अराजकता की स्थिति में आना इज मेहम। ऑर्डर और सिस्टमेटिक व्यवस्थित होना, ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। तो व्यवस्थित ये क्या हो गया, तो खेल की शब्दावली में आया कि आप दूसरी टीम आप पर इतनी हावी हो जाए कि आपका गेम पूरा का पूरा मेहम हो जाए, और अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आप क्या रहेंगे, ऑर्डर के अंदर रहेंगे, नहीं तो आप टर्न लेग इन टू जेली और आपकी हालत क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। कंप्लीट मेहम ब्रॉकआउट, एकदम संपूर्ण रूप से है जो अराजकता फैल गई। ब्रेकआउट ये भी फ्रेजल वर्ब होगी, ब्रेकआउट यानी अचानक से फैलना। तो कोई टीम किस तरह से आगे हावी होती है ये अपने देखते हैं। आज का एडिटोरियल समिट क्लैश, समिट आपने पहले शुरुआती दिन से देखते आ रहे हैं, समिट के बोलो शीर्ष, एकदम शीर्ष का जब जो क्लैश है, अब देखो क्लैश दो तरह के होते हैं, एक क्लैश है जो स्कर्मिश इजराइल और हमास के बीच में चल रहा है, वो लड़ाई वाला क्लैश है, ये खेल का संघर्ष है। तो उच्च स्तर का, इंडिया भी अच्छी टॉप परफॉर्मेंस पे है, ऑस्ट्रेलिया भी है, तो शीर्ष स्तर का देखिए क्लैश होने वाला है ऑन इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड द वर्ल्ड कप क्रिकेट फाइनल, भारत और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट की विश्व कप फाइनल के अंदर। इंडिया विल नीड टू बी एट इट्स बेस्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल, फाइनल मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। यस द वर्ल्ड कप कैरेवन फाइनली रिटर्न्स टू अहमदाबाद, यस विश्व कप का जो कैरेवन है, जो कारवा है, वो अंततः अहमदाबाद लौट आया जहां से इसने शुरुआत की थी। वेयर, देखो यहां पर ये रिलेटिव प्रोनाउन आया है वेयर, क्योंकि इसे पहले देखो जगह है, अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई प्लेस हो तो अपने वेयर का प्रयोग करेंगे, अगर यहाँ कोई पर्सन हो तो हम हु का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस के अंदर, ऑब्जेक्टिव हो तो हुज या हुम का प्रयोग होगा, और वस्तु हो तो विच का प्रयोग होगा, रीजन हो तो जो वाई का प्रयोग होगा। वेयर इट कमेंस्ड इट्स जर्नी, कमेंस का मतलब स्टार्ट, वेयर इट स्टार्टेड इट्स जर्नी, जहां इसने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी ऑन अक्टूबर 5, 5 अक्टूबर से अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम से जहां इसने शुरुआत की, वहां वर्ल्ड कप का कैरेवन वापस लौट आया है, क्योंकि 19 तारीख का मैच वहां होना है। दिस संडे ए पैक्ड नरेंद्र मोदी स्टेडियम विल विटनेस द समिट क्लैश बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इस संडे को नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि पूरा पैक्ड रहने वाला है, दर्शकों से खचाखच भरा होने वाला है, वो समिट क्लैश एक शीर्ष स्तर का है जो मैच का संघर्ष देखाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। द होस्ट, होस्ट हो गया मेजबान, और गेस्ट हो गया टीम ऑस्ट्रेलिया, तो द होस्ट इज इन प्राइम फॉर्म, तो टीम होस्ट है भारतीय जो टीम है वो एकदम अच्छी फॉर्म में है, हैविंग नॉट 10 विन्स ऑन द ट्रॉट, क्योंकि इसने लगातार 10 जीत दर्ज की है, इंक्लूडिंग ए फाइन विक्ट्री ओवर डॉटी न्यूजीलैंड इन द सेमीफाइनल एट मुंबई, यहां तक कि डॉटी न्यूजीलैंड पर भी उसने है जो मुंबई के अंदर जीत दर्ज की है, जो डॉटी क्या है, फियरलेस है।
न्यूजीलैंड इन द सेमीफाइनल एट मुंबई. मीनवाइल ऑस्ट्रेलिया स्टार्टेड ऑन द रॉन्ग फुट विद टू लॉसेस बिफोर विनिंग एट कंसेक्यूटिव गेम्स. कंसेक्यूटिव कंटिन्यूस लगातार. तो ऑस्ट्रेलिया ने इसके विपरीत दो हार के साथ गलत शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद कंसेक्यूटिव गेम्स खेलते हुए उसने लगातार 8 जीत दर्ज की. विद ऑस्ट्रेलिया हैविंग वन क्रिकेट प्रीमियर चैंपियनशिप ऑन 5 ओकेशंस. ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड देखें तो उसने इस प्रीमियर लीग के मैच के अंदर 5 बार विश्व कप को जीता है. ओकेशन यानी अवसर पर. पेट केमिंस एंड हिज मैन मस्ट लिव अप टू ए हेल आउट लेगेसी. तो पेट केमिंस और उसकी टीम को है जो अच्छी शानदार अपनी विरासत को बनाए रखना होगा, तो क्या वे ऐसा कर पाते हैं, चलो देखते हैं. देयर सेमीफाइनल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका हैड द थ्रिल्स एसोसिएटेड विद लो स्कोरिंग हम डिंगर्स एट कोलकाता'स इडन गार्डन. देखो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, सेमीफाइनल हुआ जिनका साउथ अफ्रीका के साथ इडन गार्डन के अंदर. सो हैड द थ्रिल्स एसोसिएटेड विद लो स्कोरिंग हमडिंगर्स. हमडिंगर्स हो गए हिलारियस एंटरटेनर्स, जो कम स्कोर करने वाले जो खिलाड़ी थे, एंटरटेनर्स थे, मनोरंजन करने वाले, उनके साथ भी उनका रोमांच जुड़ा हुआ है कोलकाता के इडन गार्डन में. और कौन भूल सकता है, द लास्ट टाइम इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया क्लैश्ड इन वर्ल्ड कप फाइनल. पिछली बार भारत और ऑस्ट्रेलिया विश्व कप के फाइनल में भिड़े थे. इट वॉज इन द 2003 एडिशन एट जोहान्सबर्ग इन साउथ अफ्रीका. और ये बात 2003 की जोहान्सबर्ग की है, जहां अपने रिकी पॉटिंग्स और जॉन्टी रोड्स, इनको कौन भूल सकता है. And Ricky Ponting's man won by 125 runs. और वहां Ricky Ponting के लोग 125 रन से जीत गए थे, ये मुझे भी अच्छी तरह याद है. Two decades later, 2 साल बाद में राहुल द्रविड़ एक key player involved in the iconic match, in that iconic match. उसके बाद में राहुल द्रविड़ जो कि खुद है जो अच्छे मुख्य खिलाड़ी हैं, वो भी उस आइकनिक मैच में शामिल थे. इज नाउ द इंडियन टीम्स कोच, जो अब वर्तमान भारतीय टीम के कोच हैं, जो दीवार के नाम से प्रसिद्ध हैं. द फॉर्मर इंडिया कैप्टन विल श्योरली इन्फ्यूज प्रैग्मेटिज्म विदाउट टर्निंग डाउन. यस, द एड्रेनलाइन सर्ज विद इन द ड्रेसिंग रूम. यस, जो पूर्व भारतीय कप्तान है वो निश्चित रूप से इन्फ्यूज प्रैग्मेटिज्म, वो इन्फ्यूज करेंगे, व्यवहारिकता लाएंगे टीम के अंदर. विदाउट टोनिंग डाउन एड्रेनलाइन सर्ज विद इन द ड्रेसिंग रूम. ड्रेसिंग रूम के अंदर एड्रेनलाइन सर्ज को टोन डाउन कम किए बिना, उनके उत्साह को कम किए बिना भारतीय कप्तान है जो खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएंगे. बैक देन अगर हम पीछे देखें, जहीर खान गॉट लॉक्ड इन वार ऑफ वर्ड्स विद मैथ्यू हेडन एंड एडम गिलक्रिस्ट. क्योंकि तब साउथ अफ्रीका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या क्या था, ये साउथ अफ्रीका के साथ में एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन के साथ में जहीर खान है, वो झगड़ पड़े थे, उनसे कुछ शाब्दिक युद्ध उन्होंने कर लिया था. एंड लॉस्ट हिज पक्स, और उसका कारण क्या हुआ था, मैच में अगर खिलाड़ी झगड़ता है तो उसका गेंद से, बैट से जो ध्यान भटकता है गेम से, तो उसने अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए, वो खो दिया था. एंड सून द कंटेस्ट नेसल्ड इनसाइड द राइवल्स पॉकेट. और शीघ्र ही क्या हुआ था, ये जो पूरी प्रतियोगिता है, कंटेस्ट है, गेम है, नेस्टल्ड इनसाइड द राइवल्स पॉकेट, और वो प्रतिद्वंदी टीम की जेब में चली गई. नेस्टल यानी घोंसला बना लेना, राइवल्स प्रतिद्वंदी की जेब में, अर्थात गेम दूसरे के पाले में चला गया. तो ये भी इडियम है, नेस्टल इनसाइड अदर्स पॉकेट, नेस्टल इनसाइड समवन्स पॉकेट, तो इसका भी ध्यान रखना, गेंद दूसरे के पाले में चले जाना. ठीक है, चलो दोस्तों आगे क्या कहते हैं. दिस टाइम अराउंड, इस समय तक द्रविड़ एंड कैप्टन रोहित शर्मा स्वीयर बाई, इस समय तक वो क्या है, कसम खा चुके हैं राहुल द्रविड़ और कैप्टन रोहित शर्मा. द फिलोसफी ऑफ टेकिंग इट वन मैच एट ए टाइम, कि उनकी ये कसम ही है
कि एक समय में एक ही मैच खेल रहे हैं, पीछे कितने जीते उसको भूल जाओ, नया मैच नई शुरुआत की, हम ये मैच खेल रहे हैं, आज के मैच को जीतना है बस, रोज की इसी सोच के साथ आओ, टेकिंग इट वन मैच एट अ टाइम। सो द वर्ल्ड कप फाइनल्स आर मैसिव स्पोर्टिंग एंगेजमेंट्स, और विश्व कप के फाइनल आपको पता है बहुत बड़े मनोरंजन की जो खेल होते हैं, वेयर द बेस्ट इधर फाइंड एक्स्ट्रा रिजर्व्स ऑफ स्ट्रेंथ और वॉच देयर लेग्स टर्न इनटू जेली। यस, तो वहां पर बेस्ट टीम होती है वो या तो एक्स्ट्रा रिजर्व ऑफ स्ट्रेंथ अतिरिक्त ताकत बनाए रखती है या फिर देखती है अपनी ही टांगों को टर्न इनटू दी जेली, अर्थात आत्मविश्वास खोते हुए देखती है। इफ इंडिया स्टिक्स टू इट्स कंसिस्टेंट मेथड्स, अगर भारत अपने कंसिस्टेंट लगातार जो तरीका बनाया था उसी से ही चिपकी रहती है, स्टिक करती है, वैसा ही बनी रहती है, एग्जीक्यूटेड वेल सो फार इन दिस चैंपियनशिप, जो कि अब तक इसने इस चैंपियनशिप में एग्जीक्यूट किया है, लागू किया है, इट शुड स्टार्ट एज द फेवरेट, तो इसे वैसे ही अपने पसंदीदा तरीके से शुरुआत करनी चाहिए। फेवरेट रोहित शर्मा's बैलिस्टिक स्टार्ट्स, क्योंकि रोहित शर्मा अपनी बैलिस्टिक स्टार्ट से अच्छे पुल शॉट लगाने वाले हैं, सिक्सर्स देखने को मिलने वाले हैं। शुभमन गिल's पाइच, विराट कोहली's प्रोलिफिक रन, जिसमें आपको गिल और कोहली का भी शानदार प्रदर्शन रन मशीन का मिलने वाला है। द कॉम्बाइंड यील्ड ऑफ श्रेयांस अय्यर एंड केएल राहुल, श्रेयांस अय्यर राहुल के साथ साथ सूर्य कुमार यादव हैव एंश्योर्ड दैट राइवल्स हैव नो रिलीफ ऑन द फील्ड, तो इन सब ने मिलकर के सुनिश्चित करना होगा कि राइवल को, प्रतिद्वंदी को कोई राहत नहीं मिले मैदान के अंदर, कड़ी टक्कर ये देने वाले हैं। ए बॉलिंग अटैक हेल्म्ड बाय जसप्रीत बुमराह, हेल्म इज सपोर्टेड बाय, हेल्म का मतलब है सपोर्ट करना, और बॉलिंग अटैक भी जसप्रीत बुमराह का मदद से मिलने वाला है, हैज प्रीज्ड ओपन द ओपोजिशंस टॉप ऑर्डर बिफोर द स्पिनर स्टेप, जब तक स्पिनर नहीं आए तब तक बुमराह है उनको छकाए रखेंगे, एंड स्टेप्ड इन एंड स्ट्रेंगल्ड द मिडल ऑर्डर इन द मिडल गेम, और मिडल ऑर्डर को वो स्ट्रेंगल करने वाले हैं इस खेल के अंदर। और मोहम्मद शमी का तो कहना ही क्या, 7 विकेट लेकर के उनका जो 7वें आसमान पर है, तो ऑस्ट्रेलिया के भी तो पैर कांप रहे होंगे। चलो जी, ये क्या कहते हैं, कोहली विद 711 रन्स इज द लीडिंग बैटर इन दिस वर्ल्ड कप, यस नो डाउट, 711 रन से टॉप पोजीशन पर है इस वर्ल्ड कप में कोहली, एंड मोहम्मद शमी जिन्होंने सेमीफाइनल को सेमीफाइनल बना दिया था, लीड्स द बॉलर्स पैक विद 23 स्कैल्प्स, यस, और बॉलर में भी वो 23 स्कैल्प्स के साथ है जो विकेट लेकर के सबसे आगे हैं। स्टिल ऑस्ट्रेलिया विल रिमेन ए कॉम्बेटिव यूनिट, यस, ऑस्ट्रेलिया अभी भी अपने आप में कॉम्बेटिव एकदम फाइटर यूनिट रहने वाली है। स्केपिंग हार्ड नेवर सेडिंग एन इंच, यस, वो स्क्रैपिंग हार्ड करेगा, तक डी है जो टक्कर देने वाला है, जो कि एक इंच भी जगह छोड़ने वाला नहीं है, मौका नहीं देने वाला, इवन दो ऑल इट्स बैटिंग स्टार्स हैवंट परफॉर्म्ड एज स्मूथली एज द इंडियंस, यहाँ ये बात ध्यान में रखनी है क्योंकि अभी भी तक उनके टॉप परफॉर्मर हैं, उन्होंने भारतीय बैटर्स जितना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, बट ग्लेन मैक्सवेल स्टनिंग अनबीटन 201 अगेंस्ट अफगानिस्तान इंडिकेटेड एट द मैजिक एंड मेहम विद इन द ऑस्ट्रेलियन चेंज रूम, यस, ग्लेन मैक्सवेल की जो 201 रन की शानदार ऐतिहासिक पारी जिसने 1983 की कपिल देव की इनिंग की याद दिला दी थी, उसका एक तरह से रेप्लिका हो गई थी, उसको कौन भूल सकता है, उसने अपने मैजिक और महिम का संकेत दे दिया है कि ऑस्ट्रेलिया के चेंज रूम की क्या हालत होने वाली है। ए फाइन स्टीम अटैक एंड एन इफेक्टिव स्पिनर इन एडम जंपा विल पोज ए चैलेंज, क्योंकि उनका स्विमर्स का अटैक के साथ साथ जंपा की जो एडम जंपा की स्पिन है वो भी अपना हमला करने वाली है और वो अच्छी चुनौती देने वाली है, विच इंडिया हैज टू टैकल वेल, जिसको भारत को अच्छी तरह से टैकल करना पड़ेगा, इफ इट इज टू होल्ड अप द वर्ल्ड कप फॉर द थर्ड टाइम, अगर इंडिया को वर्ल्ड कप को थर्ड टाइम अगर हाथ में लेना है तो इसको क्या है,
वर्ल्ड कप 23 के लिए, तो इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को ढंग से टैकल करना पड़ेगा। तो बताइए आपको क्या लगता है कि ये वर्ल्ड कप कौन सी टीम जीतने वाली है? नो डाउट आई एम इन फेवर ऑफ इंडिया कि ये वर्ल्ड कप तो भारत ही जीतने वाला है, लेकिन एडिटर्स की टोन देखिएगा, जो बेस्ट प्ले करेगा एट ए टाइम एक मैच को एक ही मैच समझेगा वो जीतेगा। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपका वर्ल्ड कप क्या है भाई? पढ़ाई है, तो उसके लिए हमारे बैचेज चल रहे हैं। जीडी का नया बैच स्टार्ट हो रहा है 20 नवंबर मंडे को सुबह 9 से 1 बजे तक। नया बैच, नई क्लास, नए जोश के साथ। दीपावली की छुट्टियां आपने एंजॉय कर ली तो आइए और आप एसएससी जीडी का और सीजीएल का हमारा नया बैच सोमवार 20 नवंबर सुबह 9 से 1 बजे तक का है रहने वाला है। तो आप इसको ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करें और स्कॉलर स्टडीज के साथ में अपनी सफलता को सुनिश्चित करें, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी प्राथमिकता है। मिलते हैं कल एक और नए एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।